हेलो फ्रेंड, आज हम लोग रेशियो पढ़ेंगे। तो रेशियो का पहला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है ए अनुपात बी बराबर 2:5, बी अनुपात सी बराबर 4:3 है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर है। तो दिया है, पहले उसको लिखते हैं। देखिए, दिया है ए अनुपात बी 2:5 और दिया है बी अनुपात सी कितना है 4:3। देखिए, इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, तो पहले देखना है कि दोनों में कॉमन कौन है। जो दोनों में कॉमन होगा उसके रेशियो को समान करना है। क्या करना है, जो दोनों में कॉमन होगा उसके रेशियो को समान करना है। तो दोनों में कॉमन कौन हो रहा है, ए अनुपात बी और बी अनुपात सी में कॉमन कौन हो रहा है। तो देख रहे हैं कि दोनों में बी क्या है, कॉमन है। कॉमन किसको बोलते हैं, जो दोनों में मिले, यानी ए अनुपात बी और बी अनुपात सी दोनों मिल रहा है। दोनों में कौन है, ए अनुपात बी और बी अनुपात सी में देख रहे हैं कि बी यहाँ पर भी है पहला में और दूसरा में भी है, यानी बी भी कॉमन हो रहा है, यानी बी भी मिल रहा है। तो इसका अनुपात को समान कीजिए। तो बी का अनुपात कितना, यहाँ पर 5 है और इसमें बी का अनुपात कितना है, 4 है। तो कुछ गुणा करना होगा। समान कैसे किया जाता है, गुणा करके। देखिए, इसमें अगर 4 से गुणा करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 5 × 4 = 20। तो इसमें भी कुछ गुणा करके इसको समान कीजिए, तो इसमें कितना गुणा करेंगे, 5 से, तो इसी वजह का 5 × 20। देखिए, अब ए अनुपात बी में 4 से गुना किए तो कितना हो जाएगा, 4 × 2 = 8 और 5 × 20। देखिए, बी में 4 से गुना कर रहे हैं, इसका अर्थ हुआ कि 4 से दोनों में गुना कर रहे हैं, ए में भी और बी में भी, अनुपात दोनों में गुना होता है। 4 × 8 = 20। देखिए, इसमें 5 से गुना कर रहे हैं तो इन दोनों रेशियो में गुना होगा, यानी 5 × 4 कितना, 20 और 5 × 3 कितना, 15। देखिए, बी कॉमन था तो बी का रेशियो समान हो गया, यहाँ 20 भी समान हो गया ना। तो जब समान हो गया तब लिखेंगे आंसर, ए अनुपात बी अनुपात सी। तो ए का रेशियो कितना, 8, बी का रेशियो कितना, 20 और सी का रेशियो कितना, 15। यही आप इसका आंसर है। ये बहुत इजी है। क्या करना है, देखना सिर्फ कि दोनों में कॉमन कौन है। जो कॉमन रहेगा उसकी रेशियो को समान करना है। और समान कैसे किया जाता है, कुछ गुना करके। तो आपको सोचना होगा कितना कितना से गुना करें कि समान हो जाए, ठीक है। पहला वाला में 4 से गुना किए और दूसरा वाला में 5 से गुना किए, तो यहाँ समान हो गया। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह से दूसरा। आइए, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में दिया है ए अनुपात बी बराबर 3:4, बी अनुपात सी बराबर 5:6 तथा सी अनुपात डी बराबर 2:3 है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी किसके बराबर है। देखिए, यहाँ 3 गो दिया है, एक दिया है ए अनुपात बी, दूसरा दिया है बी अनुपात सी और तीसरा दिया है सी अनुपात डी। चलिए, पहले लिख लीजिए ए अनुपात बी कितना दिया है, 3:4 और दिया है बी अनुपात सी कितना है, 5:6। तो लिखिए, बी अनुपात सी कितना दिया है, 5:6 और दिया है सी अनुपात डी 2:3। देखिए, इसको कैसे बनाना है, तो इसको बनाने के लिए देखेंगे। देखिए, इसको 3 गो दिया है, ए अनुपात बी, दूसरा दिया बी अनुपात सी और तीसरा दिया सी अनुपात डी। तो अगर 2 से ज़्यादा आ जाए तो पीछे से कॉमन करना है। तो पीछे से कॉमन करते हैं तो पहले कॉमन कौन हो रहा है, सी सी,
पहले बता दिया कॉमन किसको बोलते हैं, जो मिलता है, दोनों में कौन मिल रहा है पीछे से, तो सी से, तो सी का रेशियो समान कीजिए। देखिए सी का दूसरा में है, सी का मान कितना है 6, और यहाँ पर कितना सी का 2, तो इसमें कितना से गुना कर दें, तो 3 से गुना करते हैं, तो यह रेशियो कितना जाएगा 3 × 2 = 6 और 3 × 3 = 9। सी सी कॉमन, तो सी का रेशियो समान। अब आगे बढ़ेंगे, अभी दोनों में कौन कॉमन हो रहा है, तो दोनों में कॉमन देख रहे हैं तो बी बी, कौन कॉमन होगा बी बी, तो बी का रेशियो समान कीजिए। तो समान करने के लिए क्या होगा, कुछ गुना करना होगा, तो इसमें कितना से गुना करना है, तो इसमें 5 से गुना करते हैं और इसमें कितना से गुना करते हैं 4 से, तो ये हो जाएगा 5 × 20, 6 × 24, और इसमें 5 से गुना कीजिएगा तो कितना जाएगा 5 × 3 = 15 और 5 × 20। देखिए बी बी कॉमन, तो बी का रेशियो समान, यहाँ पर सी सी कॉमन, तो सी का रेशियो समान होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 4 से गुना करने पर क्या हो गया 24 हो गया, तो इसको भी समान करने के लिए फिर से इसमें क्या करेंगे 4 से गुना कर देंगे, हो जाएगा 6 × 24 और 9 × 36। अब ध्यान दीजिए कि बी बी कॉमन है तो बी बी का रेशियो समान है 20 20, सी सी कॉमन है तो सी का रेशियो भी समान है 24 24। तो अब लिखेंगे आंसर, क्या निकालना था हमें, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी डी। तो चलिए ए का रेशियो कितना निकल कर लाए हैं 15, सी का रेशियो कितना निकल कर लाए हैं सॉरी बी का, तो बी का 20 और सी का रेशियो कितना निकल कर लाए हैं 24 और डी का रेशियो कितना निकल कर आया 36। तो यही आपका आंसर हो गया, यानी ए बी सी डी का रेशियो कितना 15 20 24 36, कौन सा ऑप्शन जाएगा, तो ऑप्शन चल जाएगा बी नंबर, ऑप्शन बी। ध्यान दीजिएगा किसे बनाया गया, फिर से एक बार समझ लीजिए। देखिए दिया था ए अनुपात बी 3:4, बी अनुपात सी 5:6 और सी अनुपात डी 2:3। तो पीछे से कॉमन किए, तो पीछे से कॉमन किए तो कौन हुआ सी सी, तो सी का रेशियो समान किए, तो सी का रेशियो समान करने के लिए क्या होगा, तो इसमें 3 से गुना कर दिए। अब 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 3×2 = 6 और 3×3 = 9। अब आगे बढ़ें, तो आगे बढ़ें तो अब बी बी कॉमन हुआ, कौन कौन बी बी, तो बी का रेशियो समान कीजिए, तो इसमें 5 से गुना और इसमें 4 से गुना, तो हो गया 5 × 20 और 5×3 = 15 और इसमें आ गया 5 × 20 और 4×6 = 24। तो अब देखें कि ए का मान 15, बी का मान 20, इसमें बी का मान 20 और सी का मान 24, यानी बी बी कॉमन, तो बी बी समान हो गया। आगे देखें सी सी कॉमन, तो सी सी यहाँ पर 24, यहाँ पर 6 ही था, तो इसको भी समान करने के लिए क्या किया, दोबारा 4 से गुना किए, तो आ गया 24 और 9 × 36। सी कॉमन तो सी का समान, बी कॉमन तो बी समान, तो अब लिखेंगे ए बी सी डी, तो ए 15, बी 20, सी 24, डी 36, यही आपका आंसर है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए दिया है ए अनुपात बी 2:5, बी अनुपात सी 4:3 तथा सी अनुपात डी बराबर 2:1 है, तो ए अनुपात सी अनुपात डी का मान कितना होगा। चलिए हम लोग यहाँ लिखते हैं कि दिया है ए अनुपात बी 2:5, फिर दिया है बी अनुपात सी 4:3 और दिया है सी अनुपात डी 2:1। तो उसी तरह जो पिछला क्वेश्चन बताए थे उसी तरह से बनाना है। देखिए ध्यान दीजिए, इसमें पीछे से कौन कॉमन हो रहा है,
पीछे से कॉम कॉमन हो रहा है, जो कॉमन होगा उसकी रेशियो को समान करेंगे। देख रहे हैं पीछे से कौन कॉमन हो रहा है, तो सी, दोनों में कौन कॉमन है, सी, कॉमन मतलब दोनों में जो मिलना चाहिए, तो दोनों में कौन मिल रहा है, सी, तो सी का रेशियो समान कीजिए। तो इसमें कितना से गुना करें और इसमें से कितना से गुना करें कि दोनों का सी का रेशियो समान हो जाए। तो इसमें दो से गुना करते हैं तो तीन दुना का छः, और इसमें तीन से गुना कर लेते हैं तो ये हो जाएगा तीन दुना छः, यानी छः छः समान। तो चलिए अब दो से गुना कीजिएगा तो चार गुना दो कितना, आठ, और तीन गुना दो कितना, छः, और इसमें दो से नहीं तीन से गुना कीजिएगा तो तीन दुना का छः, और तीन गुना एक तीन। देखिए इन दोनों में सी कॉमन था तो सी का रेशियो समान हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे में इन दोनों में कौन कॉमन है, तो बी, तो बी कॉमन है तो बी का रेशियो को समान करेंगे। तो बी में कितना से गुना यहाँ पर और यहाँ पर कितना से गुना, तो चलिए इसमें हम आठ से गुना करते हैं, तो आठ पाँच चालीस, तो इसमें कितना से गुना करना होगा, पाँच से, तो ये हो जाएगा पाँच अठी चालीस। तो ये आ गया पाँच दुना दस, सॉरी आठ दुना सोलह, कितना हो गया आठ दुना सोलह, आठ पाँच चालीस, और ये कितना जाएगा आठ पाँच चालीस और छः पचे तीस। देखिए बी भी समान, अब सी को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, तो सी का यहाँ रेशियो है तीस और सी का यहाँ रेशियो है छः, समान करने के लिए क्या होगा, फिर से इसमें पाँच से गुना करना है, तो हो जाएगा छः पचे तीस, पाँच ती आई पंद्रह। अब लिखेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का रेशियो। तो हमसे पूछ रहा क्या कि ए अनुपात सी अनुपात डी खाली बी नहीं, तो चलिए लिखते हैं ए अनुपात सी अनुपात डी का रेशियो कितना, यानी सोलह तीस पंद्रह, ये आपका आंसर है, यानी ऑप्शन कौन जाएगा डी नंबर, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा डी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देख दिया है ए अनुपात बी बराबर दो अनुपात तीन और बी अनुपात सी बराबर चार अनुपात पाँच है, तो ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर अनुपात बी सी का मान कितना होगा। चलिए दिया है ए अनुपात बी कितना है दो अनुपात तीन, और फिर दिया क्या बी अनुपात सी चार अनुपात पाँच का रेशियो दिया है। पिछला क्वेश्चन जिस तरह से बनाए थे उसी तरह से दोनों में जो कॉमन होगा उसका रेशियो को समान करना है, तो दोनों में कॉमन कौन है बी, दोनों में कॉमन कौन है बी, तो बी का रेशियो समान कीजिए, तो इसमें चार से गुना और इसमें तीन से गुना, तो यह आ जाएगा चार गुना दो कितना आठ, और चार तिहाई बारह, और इसमें तीन से गुना कीजिएगा तो कितना चार तिहाई बारह और पाँच तिहाई पंद्रह। चलिए तो हमको निकालना था किसका मान, ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर अनुपात बी सी। देखिए ए का मान कितना आया है आठ, तो आठ का स्क्वायर करेंगे, बी का रेशियो कितना है बारह, तो बारह का स्क्वायर करेंगे, और बी सी तो बारह गुने पंद्रह। देखिए ये आठ का स्क्वायर हो जाएगा चौंसठ, बारह का स्क्वायर एक सौ चौवालीस। अब इसको लिख लीजिए आठ का स्क्वायर चौंसठ, बारह का स्क्वायर एक सौ चौवालीस, हो जाएगा बारह गुने पंद्रह। अब देखिए ये तीनों में कॉमन कितना है, यानी तीनों में अधिक से अधिक कितना से भागा दे सकते हैं, चौंसठ में एक सौ चौवालीस में और बारह गुणा पंद्रह में, अधिक से अधिक कितना से भागा, चार से भागा दे सकते हैं,
तो चार से भागा दीजिएगा तो यह सब रेशियो कट करा जाएगा। चार से भाग देने पर कितना, 16 चौको 64। अब 144 में चार से भागा दीजिएगा तो कितना लगेगा, 4 3 12 2 और 4 24 24 4 6 24 36। और इसमें 12 में चार से भाग दिया तो 3। चलिए हम लोग पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। दिया है यदि ए अनुपात बी बराबर 2:4, बी अनुपात सी बराबर 4:5, सी अनुपात डी बराबर 6:7 है तो ए अनुपात डी का मान कितना होगा। देखिए हमको निकालना है किसका, तो ए अनुपात डी का मान। तो पहले यहाँ एक चीज़ समझिएगा कि अनुपात को भिन्न भी लिख सकते हैं, यानी हमको निकालना है ए अनुपात डी, इसको लिख सकते हैं ए बटा डी भी लिख सकते हैं, ठीक है। यानी हमको मान किसका निकालना है, ए बटा डी का मान, यानी अनुपात को भिन्न में भी लिखा जाता है। तो चलिए हमको ए बटा डी चाहिए, ए बटा डी। देखिए हम लिख सकते हैं इसको ए अनुपात बी को ए बटा बी और गुना कर देना है, बी अनुपात सी को लिख सकते हैं बी बटा सी गुना, सी अनुपात डी को लिख सकते हैं सी बटा डी। देखिए बी बी अगर काटिएगा यहाँ से यहाँ तो बी बी कट जाएगा, और सी सी काटिएगा यहाँ से यहाँ तो सी सी कट जाएगा, तो बी खत्म और सी खत्म, तो बचेगा क्या, ए बटा डी। यानी ए बटा डी को लिख सकते हैं ए बटा बी गुना बी बटा सी गुना सी बटा डी। अब मान रख दीजिए ए बटा बी यानी ए अनुपात बी, तो ए अनुपात बी का मान कितना, 2:4, यानी इसको लिखेंगे 2:4 गुना बी बटा सी, बी बटा सी यानी कहाँ से, यहाँ से बी बटा सी कितना है 4:5, यानी लिख सकते हैं इसके जगह पर कितना, 4:5 गुना, और सी बटा डी, तो सी बटा डी का मान यहाँ से कितना दिया है, 6:7, यानी लिख सकते हैं 6:7 को लिख सकते हैं 6:7। अब देखिए कटेगा यहाँ से तो 4 4 से ये कट गया, बच गया 2 × 6, तो 2 × 6 कितना, 12, और नीचे 5 × 7 कितना, 5 × 7 यानी 35, यानी आ गया 12:35। तो ए बटा डी का मान 12:35, तो ए अनुपात डी का मान कितना, 12:35 कितना हो गया, 12:35 आंसर। ऑप्शन कौन जाएगा, ऑप्शन सी। देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ए अनुपात बी फिर बी अनुपात सी फिर सी अनुपात डी, तो पूछा क्या, ए अनुपात डी, यानी ए अनुपात डी में देखेंगे ए शुरू का लिया है और डी लास्ट वाला लिया है, तो शुरू और लास्ट का रेशियो रहे तो इसी तरह से बनाना है, गुना करके सब रेशियो का कब कर देना है, गुना कर देना है, सभी रेशियो का कर देना है गुना, यानी शुरू में था ए और लास्ट में था डी, तो इसको का किए ए बटा बी गुना बी बटा सी गुना सी बटा डी। इसके मेथड से बहुत सा आसान हो जाता है क्वेश्चन। चलिए इस तरह से छठा क्वेश्चन चलते हैं। छठा क्वेश्चन है यदि ए अनुपात बी बराबर 2:5 तथा बी अनुपात सी बराबर 3:4 है तो ए अनुपात सी का मान कितना। यहाँ पे ध्यान दीजिए हमको पूछ क्या रहा है, ए अनुपात सी, क्या पूछ रहा है, ए अनुपात सी, तो ए कहाँ से, शुरू, ए कहाँ है, शुरू में, और सी कहाँ है, लास्ट, तो ये सी क्या है, लास्ट, तो ए अनुपात सी यानी ए बटा सी, तो लिख सकते हैं इसको ए अनुपात बी यानी ए बटा बी गुना बी अनुपात सी यानी बी बटा सी। चलिए ए अनुपात बी का मान कितना, 2:5, तो 2:5 गुना बी बटा सी का मान कितना, 3:4, तो 3:4 2 × 4 आ जाएगा कितना, 3/10, यानी आंसर आ गया 3:10। 3:10 कहाँ है, तो ऑप्शन बी, तो ऑप्शन बी सही हो गया। देखिए सातवां क्वेश्चन भी इसी प्रकार है, दिया है ए अनुपात बी
बराबर है, ए अनुपात बी बराबर, बी अनुपात सी बराबर, सी अनुपात डू किसके बराबर है, तो 1/2 के बराबर है, 1/2 के बराबर है। तो पूछा ए अनुपात डी का मान कितना होगा, देखिए ए शुरू का है और डी लास्ट का है, तो ए बटा डी को लिख सकते हैं ए बटा बी गुना बी बटा सी गुना सी बटा डी। ए बटा बी यानी ए अनुपात बी का मान कितना दिया है, 1/2, यानी सभी अनुपात आपस में बराबर है, किसके बराबर है, 1/2 के बराबर है। तो ए बटा बी का मान भी 1/2, बी बटा सी का मान भी 1/2, और सी बटा डी का मान भी कितना, 1/2, यानी कितना जाएगा, तो 1/2 × 2 चार, 4 × 2 कितना 8, यानी 1/8, यानी इसको रेशियो में ले सकते हैं 1:8 आंसर, यानी ऑप्शन कौन जाएगा, ए नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आठवां, दिया है कि ए अनुपात बी, ए अनुपात बी कितना है, तो 1/2 × 3/8। फिर दिया है बी अनुपात सी, 1/3 × 5/9, और दिया है सी अनुपात डी, 5/6 × 3/4। देखिए थोड़ा सा इसमें ध्यान दीजिएगा, अनुपात जो है वो भिन्न में दिया है, यानी ए अनुपात बी का मान कितना है, 1/2 × 3/8। तो पहले इसको सॉल्व कर लीजिए, यानी इसको साधारण भिन्न में लाते हैं। देखिए भिन्न में क्या आता है कि अनुपात को ऊपर ऊपर कटता है या नीचे नीचे कट सकता है, और गुना जब करना हो तो तिरछा तिरछी गुना होता है। तो इसको पहले काट लीजिए, 2 × 4 कटेंगे, 2 × 4 करना तो 8, यानी 2 × 4 = 8 कट गया। अब गुना करना हो तो इस 4 को 1 के साथ गुना करेंगे, और यहाँ कुछ नहीं तो कितना हो 4, 1, ये 1 को किसके साथ, 3 के साथ, यानी आ जाएगा 4/3। उसी तरह बी अनुपात सी में, तो नीचे नीचे काट लीजिए, तो नीचे नीचे कटेगा 3 × 3 = 9, यहाँ कुछ नहीं तो 1 ले सकते हैं, तो ये 3 किसके साथ गुना होगा, 1 के साथ गुना हो जाएगा, और ई 1 किसके साथ गुना होगा, ये 5 के साथ गुना हो जाएगा, तो 3 × 1 कितना 3, और 1 × 5 कितना 5। उसी तरह यहाँ काट सकते हैं, 2 × 4 और 2 × 3 = 6, अब गुना करना है तो 2 × 5 करना है और 3 × 3 करना है, आ जाएगा 10/9। यानी हम लोग निकाल लिए यहाँ से रेशियो, देखिए निकल गया ए अनुपात बी 4/3, बी अनुपात सी 1/3 × 3/5, और सी अनुपात डी 10/9। हमको पूछा ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का रेशियो कितना होगा, तो उसी तरह बनाइए बैलेंस करके, यानी पहले पीछे चलेंगे कि जो कॉमन होगा उसका रेशियो को समान करेंगे, तो यहाँ पर कॉमन कौन है, पीछे से सी, तो सी को रेशियो को समान कीजिए, तो सी को समान करने के लिए क्या होगा, तो इसमें देख रहे हैं कि सी का रेशियो यहाँ पर 10 है, तो यहाँ पर सी का रेशियो 10 लाने के लिए कितना से गुना, 2 से, तो 2 से गुना कीजिएगा तो दोनों में 3 × 6 और 5 × 10, देखिए सी सी कॉमन, तो सी का रेशियो समान हो गया ना यहाँ पर। अब आगे बढ़ते हैं, तो अब आगे बढ़े तो यहाँ पर कौन कॉमन है, बी बी, तो बी का रेशियो समान कर लीजिए, तो बी का रेशियो समान करने के लिए यहाँ पर देखना है बी का रेशियो कितना 6, तो बी का रेशियो यहाँ पर कितना 3, तो इसको 6 लाने के लिए कितना से गुना करना होगा, 2 से, 2 से गुना कीजिएगा तो इसमें भी 2 से गुना करेंगे, तो 4 × 8 3 × 6। अब एक बार देख लीजिए, सी सी कॉमन तो सी का रेशियो समान, बी बी कॉमन तो बी का रेशियो समान, तो अब लिखेंगे ए बी सी डी का रेशियो, ए बी सी डी का रेशियो,
ए का रेशियो कितना 8, बी का रेशियो कितना 6, सी का रेशियो कितना 10 और डी का रेशियो कितना 9। अगर चारों में से कुछ कॉमन होता तो कॉमन करते, नहीं कॉमन है तो यही रह जाएगा आंसर, यानी आ गया 8, 6, 10, 9 का रेशियो, यानी कौन सा जाएगा ऑप्शन सी नंबर, ऑप्शन सी। देखिए अगला क्वेश्चन में दिया है कि एक्स बराबर वाई बटा 3 है, यानी एक्स बराबर दिया है वाई बटा 3, और फिर दिया है वाई बराबर जेड बटा 2, तो पूछ रहा है एक्स वाई जेड का रेशियो कितना। ओके, इसको लिख सकते हैं कि तिरछा तिरछी गुना होता है, अगर बराबर साइड में रहे तो तिरछा तिरछी गुना, तो ये इसके साथ, और यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 तो लिख सकते हैं, तो ये गुना होगा इसके साथ, तो लिख सकते हैं एक्स बटा में आ जाएगा वाई और ऊपर 1 बटा में 3, इसको भी लेते हैं तो जेड अगर बराबर के ये सा रहेगा तो कहेगा बट्टा में चलेगा, यानी वाई बट्टा जेड बराबर 1/2, यानी इसको हम रेशियो में अगर कन्वर्ट कर दें तो एक्स बटा वाई को क्या लिखते हैं एक्स अनुपात वाई, यानी 1/3, और वाई बटा जेड को क्या ले सकते हैं वाई अनुपात जेड, वाई अनुपात जेड मतलब 1/2। अब देखिए दोनों में कॉमन कौन है, वाई वाई कॉमन है, वाई वाई कॉमन है तो वाई का रेशियो समान, तो वाई का मान यहाँ पर 3, तो वाई का मान यहाँ पर 1, तो 1 में कितना से गुना के 3 आ जाए, 3 से गुना कर लेते हैं, रेशियो कितना कट जाएगा 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6। अब लिख लेते हैं एक्स वाई जेड का रेशियो, एक्स का मान 1 है, वाई का मान दोनों जगह कितना है 3, तो वाई का मान 3 आ गया, जेड का कितना 6, यानी एक्स वाई जेड का रेशियो कितना आ गया 1/3/6, यानी ऑप्शन कौन जाएगा सी। चलिए 10वां क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दिया है कि पी अनुपात क्यू कितना है 4:9, और दिया है पी अनुपात आर कितना है 2:3। चलिए पहले पी क्यू आर का रेशियो निकाल लीजिए, तो इसको करने के लिए क्या करना होगा आपको, तो पहले ध्यान दीजिए कि दोनों में कॉमन कौन सा है, दोनों में कॉमन कह रहा है पी अनुपात क्यू और पी अनुपात आर में कॉमन कौन है, तो पी पी कॉमन है, कौन है पी पी कॉमन है, कौन सा हो रहा है पी पी, तो पी का रेशियो समान कीजिए, तो पहला में दिया है पी का रेशियो कितना 4 और दूसरा में पी का रेशियो कितना 2, तो इसको समान कर लिए, इसमें कितना से गुना कर देंगे 2 से, तो जो गुना करना है तो दोनों में गुना होगा, तो 2 × 2 कितना 4 और 2 × 3 कितना 6, यानी P का 4, Q का मान कितना 9 और R का मान कितना 6 आया, तो हमको पूछ रहा है कि बताइए P प्लस Q अनुपात P प्लस R का रेशियो कितना, तो P का मान देखने कितना है 4 और Q का मान कितना है तो 9, तो 4 + 9 की जगह तो कितना जाएगा 13, 4 + 9 यानी 4 + 9 ठीक है, और P प्लस R, तो P का मान कितना 4 और R का मान कितना 6, तो 6 और 4 कितना हो जाएगा 10, यानी यहाँ करेंगे 4 + 6 तो कितना हो जाएगा 10, यानी P प्लस Q अनुपात P प्लस R का रेशियो कितना हो जाएगा 13:10, यही आंसर है। तो देखिए आज हम लोग पहला वीडियो देखे हैं रेशियो का, बहुत इजी क्वेश्चन था ये, पहला टाइप लेकर आए हैं, नेक्स्ट वीडियो में अगला टाइप लेकर आएंगे, ठीक है। चलिए आज इतना ही रहता है, आपको अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो में ज़रूर कमेंट करें, और हमारे चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करें, ताकि आपको तक जब नया वीडियो बनाए तो जल्दी से जल्दी पहुंच सके, और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर करें, कमेंट करें और लाइक ज़रूर करें, धन्यवाद।